नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। आर्य समाज पैदल यात्रा निकाल दिया संदेश। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वितीय जन्म शताब्दी के अवसर पर पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा को पुलिस प्रशासन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पैदल यात्रा खरगुदा शहर से होते हुए गुरुकुल बरोना से सदाव्रत रोहट गांव तक पहुंची। यात्रा से पहले गुरुकुल बरोना में हवन यज्ञ किया गया। यात्रा के संयोजक सोमवीर आर्य ने बताया कि महर्षि दयानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इस यात्रा का आयोजन गुरुकुल बरोना समाज कल्याण परिषद रोहट जग उत्थान खेल शिक्षा समिति द्वारा किया गया। यात्रा का मार्गदर्शन सुखवीर दहिया द्वारा किया गया। इस पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्य समाज के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि आर्य समाज में जीवन जीने का जो तरीका बताया गया है वह बेहद ही सार्थक है। आर्य समाज प्रकृति का संरक्षण करने की तरफ बढ़ावा देता है, आपस में प्यार प्रेम से रहने व ईमानदारी की प्रेरणा देता है, आडंबरों व अंधविश्वास से दूर रहने के लिए बताता है। इस मौके पर प्रवीण आर्यन, राजेश रोहिला, रमेश सुबेदार, ईश्वर ब्रह्मचारी मनीष, मनदीप, नितिन मंजित व समाज कल्याण परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। उपलक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं? आज हमने गुरुकुल बरोना से यात्रा का आरंभ किया और जिसका समापन हुआ है सदावर्त रोड में। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती की हार्दिक बधाइयां देता हूं। आज यात्रा निकालने का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है, ऋषि देव दयानंद के जो सपने अधूरे रह गए, जो कार्य अधूरे रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना और लोगों को जागृत करना कि हमें उनके कार्यों को पूरा करना होगा। क्योंकि ऋषि देव दयानंद ने जहां एक और नारी शिक्षा, अंधविश्वास, पाखंड, अनेकों कुप्रथाओं को तो दूर करने का काम किया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ नारी शिक्षा लागू करने का काम उन्होंने भी किया। क्योंकि उनका मानना था कि यदि नारी शिक्षित होगी तो वो दो घरों को शिक्षित करने का काम करेगी। इसके साथ साथ देश में फैले पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी के प्रथम उद्घोषक ऋषि देवदान रहे, उनके अनेक अनुयायियों ने अपने प्राणों को नौछावर करके इस देश को आज़ाद कराया। जहाँ तक हम इतिहास की बात करें, 75% आर्य समाजियों का योगदान रहा है इस देश को आज़ाद कराने में। आज की यात्रा यही संदेश देना चाह रही है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। बस मैं आपके चैनल से यही संदेश देना चाहता हूँ। प्रवीण आर्य, आज आपकी यात्रा थी, इसके विषय में प्रवीण जी आप क्या कहना चाहोगे? आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिवस भी है और 200वीं उनकी जो जयंती के उपलक्ष में ये यात्रा कोरोना से लेकर गांव रोहट तक रही, इसका समाज में बहुत ही अच्छा प्रभाव गया है। लोगों में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, आर्य समाज के बारे में और परोपकार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं उनके दिल और दिमाग पे गई। और हमारे साथ गुरुकुल के विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी थे, इनका भी उत्साह देखकर लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई, ये यात्रा सफल हुई। इसी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ हैं मंजीत दहिया, रोहट समाज कल्याण परिषद। मंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जो यात्रा आपके गांव में आई है, इसके विषय में आप बतलाएं और इस यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती पर जो आज गुरुकुल बरोना से शुरू होकर पैदल यात्रा, जन जागरण अभियान जो चला गया इन बच्चों के द्वारा और ये गांव रोड के सदावर्त में आकर संपन्न हुआ, इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि क्षेत्र में एक जन जागरण स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं उनको फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जयंती मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही कि उनके विचारों को जितना फैलाया जाए उतने समाज में सुधार की तरफ जाएगा और उसी के परिणाम स्वरूप आज जयंती मनाना बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ है। क्योंकि भरकरपोता शहर में और गांव में से होते हुए ये यात्रा यहाँ पहुँची है,
इससे लोगों के अंदर स्वामी दान के विचारों के प्रति जागृति उत्पन्न हुई है और इसका समाज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और परोपकार की भावना और जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ ये जन जागरण अभियान है जो बहुत ही अच्छा कदम है। इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कुल रोहतक रोड खरखोदा लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स नेचर अबंडेंट कैंपस डे स्कॉलर डे बोर्डिंग फैसिलिटीज सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड अकेडमियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम स्मार्ट क्लासेस लैंग्वेज लैब एक्सलेंट टीचर्स एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्टटेक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार शिक्षा टेक्नोलॉजी खेल स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर डॉक्टर लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग बच्चों के झूले छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था आधुनिक स्मार्ट टीवी कंप्यूटर लैब फिजिक्स लैब बायो लैब केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।